ट्राइबल भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग 25 साल से जो समस्या आपकी लिंगरिंग टोन में आगे बढ़ती थी आज उसका एक समाधान हो गया है। और इसमें सहकार देने के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा नेडा के अध्यक्ष और त्रिपुरा सरकार के हमारी समर्थक पार्टी के सारे नेता और विशेषकर महाराजा त्रिपुरा का भी मैं बड़े हृदय से, बड़े मन से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इसको एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाया है। मित्रों, 1997 से जो नागालैंड और मिजोरम के अंदर एथनिक टेंशन हुआ, इसके कारण उस समय लगभग 30,000 लोग उत्तरी त्रिपुरा में एक टेम्पररी कैंप में रखे गए। वहीं से लेकर आज तक उनके परमानेंट सॉल्यूशन का कोई रास्ता नहीं निकला था। 3 जुलाई 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार और ब्रू प्रतिनिधियों के बीच में एक समझौता करा और एक पैकेज की घोषणा की जिसमें विस्थापित सभी लोगों को सम्मान के साथ मिजोरम में रखने की व्यवस्था बनी थी, परंतु कई कारणों से सारे लोग मिजोरम में जाना नहीं चाहते थे। तो 18-19 से लेकर आज तक सिर्फ 328 परिवार ही मिजोरम में जाकर बसे थे। श्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव के कारण एक के बाद एक उत्तर पूर्व की सारी समस्याओं का समाधान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हो रहा है, इसमें भी उनके ही इनिशिएटिव से एक नए सिरे से वार्ता, नए सिरे से नेगोशिएशन चालू हुए और उसमें अंत में समाधान यह हुआ कि सारे जो ब्रू रियांग परिवार हैं, जो आज लगभग 30,000 के आसपास होते हैं, वो सभी को त्रिपुरा में ही परमानेंट बसाने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें मुझे आनंद है कि सभी ब्रू रियांग संगठनों ने सहमति दी है और मिजोरम और त्रिपुरा सरकार ने भी सहमति दी है। उनको वहां पर 40x30 फीट का एक आवासीय प्लॉट दिया जाएगा और समझौते के अनुसार 4 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट उनके परिवार के नाम पर की जाएगी, 5,000 रुपया प्रति माह नकद सहायता दी जाएगी, 2 साल तक पूरा राशन। भारत सरकार की ओर से दिया जाएगा और मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपीज और उनको दिए जाएंगे, जिससे वो अपना मकान सम्मान के साथ बना सके। जहां तक भूमि का सवाल है, त्रिपुरा मुख्यमंत्री का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने वहां पर भूमि उपलब्ध कराई है और लगभग 600 करोड़ रुपए का पैकेज आज 30,000 लोगों के लिए भारत सरकार ने अप्रूव कर उनको एक नया जीवन, नई शुरुआत देने का प्रयास किया है। 23 सालों से ब्रू और रियांग विस्थापित जो त्रिपुरा में रहते थे, आज श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी ये समस्या का समाधान होने जा रहा है। बड़ा आनंद का विषय है, ये नॉर्थ ईस्ट का बहुत जलद मसला बहुत लंबे समय से रहा और परमानेंट सॉल्यूशन आज इसका जो निकल गया है, इसके बाद मुझे विश्वास है कि दोनों सरकारें मिलकर, मिजोरम और त्रिपुरा सरकार मिलकर, ये ब्रू रियांग परिवारों के सर्वांगीण विकास के लिए, इनके परिवार के सभी प्रकार के विकास के लिए कटिबद्ध रहेगी
और भारत सरकार भी हमेशा उनके कल्याण के लिए जागरूक भी रहेगी और मदद में भी रहेगी। थोड़े समय पहले ही त्रिपुरा में एनएलएफटी एसडी एक जो हथियारी संगठन था सुबीर देव वर्मा का, इसके 88 हथियारी लोगों ने समर्पण किया था। लगभग 50 के आसपास ऑटोमेटिक वेपन्स भी सरेंडर किए गए थे और 1980 से जो उनका एक संघर्ष चल रहा था उसको समाप्त किया गया था। तो एनएलएफटी एसडी के सरेंडर के बाद ब्रू और रियांग के परमानेंट सॉल्यूशन आना, मैं मानता हूं नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बड़ा कदम है, विशेषकर त्रिपुरा के लिए बड़ा कदम है। दोनों समस्याएं त्रिपुरा की जो बहुत समय से पेंडिंग थी, एक एनएलएफटी एसडी के हथियारी ग्रुपों का सरेंडर कराना और ब्रू और रियांग लोगों का निवास का परमानेंट सॉल्यूशन लाना, आज ये दोनों समस्याओं का यहां पर अंत आता है। और इसके कारण मिजोरम में भी एक प्रकार से इरिटेशन का भाव था कि मिजोरम के ही नागरिक परमानेंट स्थायी नहीं हुए, तो आज मिजोरम में भी काफी अच्छा संदेश जाएगा। विशेषकर ये जो 30,000 से ज्यादा ब्रू रियांग भाई बहन हैं, उनके लिए आज एक नए जीवन की नई शुरुआत होगी। 23 साल तक 25 साल तक एक प्रकार से जिसको कह सकते हैं अमानवीय जीवन जीने के लिए वो लोग मजबूर थे, एक कैंप के अंदर रहते थे, ना वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, ना किसी प्रकार के ड्रेनेज की व्यवस्था थी, ना शुद्ध पीने का पानी था, ना हेल्थ की सुविधाएं थी। अब वो सम्मान के साथ त्रिपुरा के अंदर अपना नए घर में, अपने खुद के घर में बसने की शुरुआत करेंगे। तो एक प्रकार से नॉर्थ ईस्ट की दृष्टि से देखें तो आज एक बहुत पुरानी 25 साल पुरानी समस्या का परमानेंट समाधान मोदी जी के नेतृत्व में निकला है। इसलिए मैं देश के गृहमंत्री नाते श्री जोराम थांगा, श्री बिप्लव कुमार देव, श्री हेमंत विश्व शर्मा, हमारे त्रिपुरा के राजा साहब, हमारे त्रिपुरा के साथी पक्षों के सारे नेता श्रीमान एनसी और ब्रू रियांग संगठनों के सभी अधिकारियों को, सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि आज से जो नई शुरुआत हो रही है आप लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आए और आपके परिवारों के सर्वांगीण कल्याण के लिए आने वाला रास्ता प्रशस्त हो। आप सभी का मन से धन्यवाद कर मैं मेरी बात समाप्त करता हूं और फिर से एक बार श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ये समझौता इसके लॉजिकल एंड तक पहुंचे और आपको सबके समान, भारत के हर नागरिक के समान सारी सुविधाएं मिले, इसके लिए भारत सरकार कटिबद्ध है, आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। इतनी बात कर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।